हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो सुमो एडिटिंग जोन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल के फ़ोटो को कैसे DSLR की तरह ब्लर कर सकते हो, वो भी कुछ मिनटों में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यार, वीडियो को फटक से लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को आपका फोटो को स्नैपसीट एप्लीकेशन पर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर एक मिल जाएगा पेन का आइकॉन, देख रहे हो। यहाँ पर पेन का आइकॉन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा हीलिंग का टूल। ठीक है, हीलिंग पर जाने के बाद आप लोगों को आपका पूरा फोटो में एक बार पेंट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से पूरा फोटो में पेंट हो जाने के बाद इसको छोड़ देना है। फिर देखो, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से रिमूव कर देगा। फिर एक बार डन कर लेना है। फिर यहाँ पर और एक बार चले जाना है पेन आइकन में। फिर यहाँ पर देखो, लेंस ब्लर लिखा हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को इस पर एक बार टिक करना है। फिर ये आ जाएगा। फिर इसको पकड़ के नीचे ले आना है। फिर यहाँ पर एक बार टैप करके ऊपर नीचे करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। फिर ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है, थोड़ा ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इसको पकड़ के थोड़ा इस तरह से पिंच कर देना है, दो उंगली से इस तरह से डाउन कर देना है। फिर यहाँ पर आप ब्लर स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको ब्लर चाहिए। फिर आप यहाँ पर भिगनेट स्ट्रेंथ को पूरा माइनस कर दो। फिर यहाँ पर एक बार डन कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ब्लर हो गया है। फिर यहाँ पर जाना है और एक बार पेन आइकन में यहाँ पर देखो डबल एक्सपोजर। फिर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपका फ़ोटो को, जो ओरिजिनल फ़ोटो था, उसको ओपन कर लेना है। देख सकते हो, मैं सेम फ़ोटो को यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। फिर इसको ओपेसिटी को फुल बढ़ा देना है। फिर एक बार राइट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर है एक इस तरह का आइकॉन, एडिट स्टैक लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू एडिट्स, फिर यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर इसको 100 फुल करके एक बार यहाँ पर पेंट कर लेना है। इस तरह से आप इसको एक बार पेंट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको एकदम माइनस कर दो, ज़ीरो कर दो। फिर यहाँ पर इस तरह से आप अपने बॉडी के चारों ओर इसको पेंट कर लो। ठीक है, फिर अगर गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप इसको फुल करो। फिर यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हो। फिर इस तरह से इसको माइनस करके इसको फुल फोटो में इस तरह से पेंट करके चारों ओर इसको ब्लर कर देना है। हेयर की जगह थोड़ा अच्छे से करना, इस तरह से सॉफ्टली एक एक टैप करोगे तो ब्लर होता जाएगा। इस तरह से आप ब्लर करो। देख सकते हो आप यहाँ पर कितना अच्छा ब्लर हो चुका है। इस तरह से आपको पूरा फोटो में कर लेना है। हाँ गाइस, तो देख सकते हो मैं इसको पूरा फोटो में अप्लाई कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर डन करके इसको बैक कर लेना है। फिर यहाँ पर इस फोटो को एक बार सेव कर लेते हैं। सेव, अगर आपको हेयर एडिटिंग करना है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो। आपको अगर फेस को स्मूथ करना है, आप मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो मैं दोनों वीडियो की अपलोड कर दिया हूँ पहले, आप अगर नहीं देखे हो तो पहले देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, फिर इस फोटो को ले चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइज, मैं इस फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों को एक PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड फोटो करके उस PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइज, मैं इस PNG को ऐड कर लिया हूँ, मतलब ये फोटो है। इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद इरेजर में जाके ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको इरेज कर लेना है। ऐसे इरेज हो गया है। फिर ये जो बोके इफेक्ट है इसको यहाँ पर एक एक करके लगाना है। एक मैं इधर लगा देता हूँ, इसको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फीका फीका लग रहा है यहाँ कॉन्ट्रास्ट, इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना। ठीक है, फिर डन। फिर इसको आप यहाँ से ये जो बॉक्स बना हुआ है ऐसे डुप्लीकेट कर लो, बहुत सारा इस तरह से कर लो पकड़ के।
इधर उधर लगा दो जहाँ आपका मर्जी अच्छा लगे, और बड़ा इस तरह से लगा दो, छोटा बड़ा करके एक साइज करके मत दो। फिर और एक यहाँ पर लगा देता हूँ, इस तरह से आप बोके इफेक्ट दे सकते हो। फिर आप इसको डन कर लो एक बार, डन। फिर इस फोटो को सेव कर लेते हैं, लाइटरूम में जाके 3 डॉट सेव इमेज। फिर इस फोटो को लाइटरूम पर ले चलते हैं, इसको कलर ग्रेड करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो गाइस, मैं इस फोटो को लाइटरूम पर ओपन कर लिया हूँ। फिर इस फोटो में लाइट को एडजस्ट कर लेना है, पहले शैडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को कम, वाइट को भी कम, ब्लैक को ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर कलर्स में जाने के बाद सबसे पहले वाइब्रेंस को बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा कम, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, माइनस करके भी एक बार देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, प्लस ही ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टिंट को थोड़ा कम, ठीक है। फिर यहाँ पर चले जाएंगे मिक्स टूल में। मिक्स टूल में जाने के बाद ये देखो फेस का कलर बहुत ही ज़्यादा मतलब सैचुरेटेड लग रहा है, यहाँ पर इसका सैचुरेशन कम कर देते हैं, लुमिनियंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लू का सैचुरेशन कम कर देते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का आप ह्यू को थोड़ा कम ही रखो। तो देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है, अब सैचुरेशन को बढ़ा दो, लुमिनियंस को बड़ा घटा कर देख सकते हो, यहाँ पर बढ़ाने से अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर डन कर लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पर चले जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा कम कर देना, फोटो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। विग्नेट को कम कर देना इस तरह से। फिर आप यहाँ पर एक बार चले जाओ कलर्स में। फिर यहाँ पर देखो एक सर्कल बना हुआ है, 3 सर्कल। फिर यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर चले जाना एकदम लास्ट वाले एक सर्कल में, ठीक है। फिर यहाँ पर हाईलाइट का कलर पकड़ के थोड़ा सा येलो टोन में दे दो। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा एडिट हो चुका है। आप लोगों को मैं बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। ये देखो बिफोर कितना गंदा लग रहा है फ़ोटो, अब देखो। फिर आप फोटो में शार्पनिंग को बढ़ा दो, फोटो फुल HD एकदम हो जाएगा, शार्प हो जाएगा फोटो। देख सकते हो क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, पूरा DSLR जैसा ब्लर आ चुका है फ़ोटो में। फिर इसको शेयर में जाके सेव टू डिवाइस कर लो, फोटो सेव हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यही रहा। जाके एक बार मेरा वर्क वहाँ पर देख सकते हो, मैं वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वर्क डालता हूँ डेली, वहाँ पर पोस्ट डालता हूँ एक, और अपडेट भी रहता हूँ ज़्यादा, तो आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।